हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम रिसर्च एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाइपोथेसिस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं परिकल्पना, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। टीचिंग एप्टीट्यूड्स की लगभग मैंने 5 वीडियोज़ बना दी हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड की ये जो है 4th वीडियो है रिसर्च एप्टीट्यूड की, ठीक है। अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, लिंक आपको इस वीडियो के एंड में और ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक करके भी आप हमारी पहले की वीडियोस को देख पाएंगे, ठीक है। तो लाइक ज़रूर करें, अभी करें वीडियो को लाइक, ताकि जो है आप इस तरह की वीडियोस पा सकें, ठीक है। जितना आप लाइक करते हैं उसी से प्रोत्साहन मिलता है इस तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए, ठीक है। तो परिकल्पना, जिसे इंग्लिश में हम हाइपोथेसिस कहते हैं, तो परिकल्पना शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि जमा कल्पना, ठीक है। परिकल्पना, तो परि का यहाँ पर क्या मतलब होता है, परि का मतलब होता है चारों ओर, और कल्पना का मतलब होता है चिंतन करना, ठीक है। कल्पना का मतलब होता है चिंतन करना। तो जब हम लोग किसी भी विषय के बारे में उसकी बारीकी से चिंतन करते हैं तो हम कहते हैं कि हम उसकी परिकल्पना कर रहे हैं, ठीक है। किसी बारे में, किसी चीज के बारे में सोचना या उसके बारे में मनन करना, ठीक है। परिभाषा की अगर हम बात करें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि परिकल्पना जो है वो अनुसंधान, समस्या से संबंधित समस्त संभावित समाधानों पर विचार करना, ठीक है। जो जो संभावित समाधान हो सकते हैं किसी समस्या के लिए, उस पर विचार करना ही परिकल्पना कहलाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं परिकल्पना। इस प्रकार समस्या चयन के पश्चात जो है परिकल्पना अनुसंधान का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है का मतलब यह है कि जब अनुसंधान किया जाता है तो पहला तो ये होता है कि भाई समस्या को चुना जाता है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण कहें कि स्तंभ है जो रिसर्च का, वो परिकल्पना ही है, ठीक है, हाइपोथेसिस है। तो दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है, ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं परिकल्पना की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो परिकल्पना की पहली विशेषता यह है कि ये निगमनात्मक चिंतन पर आधारित होती है, ठीक है। निगमनात्मक चिंतन का मतलब ये हो गया कि इसमें जो है सामान्य से विशेष की तरफ बढ़ा जाता है, ठीक है। और शाब्दिक स्पष्टता होना होती है जो है परिकल्पना में, और ये होना भी जरूरी है किसी भी परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए। नेक्स्ट है, इसमें जो है नियम व तथ्य नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये नियम और तथ्यों से मुक्त होती है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि अगर कोई समस्या है आप उसका समाधान ढूंढिए, तो क्या आप उसमें नियम और कानून लगाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो परिकल्पना होती है उसमें कोई नियम व तथ्य नहीं होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है, ये प्राकृतिक नियमों के अनुरूप होती है, ठीक है। इसमें कोई जो है किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, एकदम स्वतंत्र होता है ये परिकल्पना, और ये मितव्ययी है एक तरह से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि परिकल्पना की ये सभी की सभी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आ जाते हैं परिकल्पना के प्रकार पर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी कन्फ्यूज़न भरे होते हैं, तो इसको अगर आप अच्छे समझ लेंगे तो आप जो है किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप उसमें गलती नहीं करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस जब जब हम डालें तब तब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पहली की अगर आप वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे क्लिक करके आप हमारी पहले की जो है MCQ वगैरह की वीडियोस को देख पाएंगे, ठीक है, जहां पे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं, कुछ टॉपिक्स को भी जो है मैंने बकायदा एक्सप्लेन किया है वहां पर, ठीक है। अच्छा, शोध परिकल्पना, शून्य परिकल्पना और संख्यायिकी परिकल्पना, ये 3 प्रकार होते हैं परिकल्पना के, ठीक है। शोध परिकल्पना, शून्य परिकल्पना और संख्यायिकी परिकल्पना। तो जो शोध परिकल्पना है, इसके अंतर क्या होता है कि करके सीखने वाले सिद्धांत जो है ना, करके सीखने के सिद्धांत पर जो है ये आधारित होता है इस तरह की परिकल्पना, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 2 व्यक्ति हैं, राम और श्याम, और मुझे इनकी हाइट जो है पता करनी है, ठीक है। तो बिना पता किए अगर हम इस पे अनुमान लगाएंगे तो वो जो है उचित नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें चेक करना पड़ेगा कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो इस प्रकार की परिकल्पना जो होती है ये शोध परिकल्पना कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है,
एक दिशात्मक और एक आदिशात्मक, ठीक है, दिशात्मक और आदिशात्मक। अब मैं आपको समझा देता हूँ दिशात्मक क्या है और आदिशात्मक क्या होती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि राम की हाइट जो है श्याम से छोटी है, ठीक है, राम की हाइट श्याम से छोटी है, ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, तो ये कहलाएगी आदिशात्मक, आदिशात्मक परिकल्पना। ठीक है, इसमें मैंने सिर्फ इतना बताया कि राम की हाइट जो है श्याम से छोटी है, लेकिन अगर मैं ये बताता कि राम की हाइट जो है श्याम से 5 गुनी 4 गुनी 3 गुनी या 2 फुट 3 फुट या 4 फुट एकदम करेक्ट डाटा मैं जब देता हूँ तो वो कहलाएगा, वो कौन सी परिकल्पना कहलाएगी, वो दिशात्मक में कहलाएगी। ठीक है, इसमें जो है करेक्ट बताया जाता है, इसमें जो है एक तरीके से सिर्फ गेस किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें इस एग्जाम्पल से याद रखना है। नेक्स्ट है शून्य परिकल्पना। अब शून्य परिकल्पना वह परिकल्पना होती है जिसमें हम चरों के बीच में कोई अंतर नहीं करते हैं। ठीक है, चरों के बीच में जब हम कोई अंतर नहीं होता है तो उस प्रकार की परिकल्पना जो है वो शून्य परिकल्पना कहलाती है। जैसे कि साइंस और आर्ट्स, साइंस और आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो बुद्धि का स्तर होता है उसमें कोई अंतर नहीं होता है। जितना बुद्धि का स्तर एक विज्ञान के छात्र का होता है उतना ही बुद्धि का स्तर एक आर्ट्स के छात्र का भी होता है। ठीक है, तो हम इस प्रकार की परिकल्पना जो है जिसमें हम किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं कर रहे हैं वो शून्य परिकल्पना कहलाती है, जिसे नल परिकल्पना भी बोलते हैं, NULL। ठीक है, नल हाइपोथेसिस भी से ही कहा जाता है। जो एनोवा बहुत ही प्रसिद्ध परीक्षण है ये, तो ये जो है वो इसी परिकल्पना पे ही आधारित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं संख्यायिकी परिकल्पना। तो जो संख्यायिकी परिकल्पना है ये थोड़ी सी जो है इसी से मिलती जुलती है शून्य परिकल्पना से, क्योंकि इसमें होता ये है कि जब शून्य परिकल्पना को संख्यात्मक रूप में अभिव्यक्त किया जाता है तो वह अभिकल्पना जो है संख्यायिकी परिकल्पना कहलाती है। जैसे कि यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि विज्ञान के छात्र और आर्ट्स के जो छात्र होते हैं इन दोनों का जो मानसिक स्तर या कहें कि जो बुद्धि होती है वो एक समान होती है। ठीक है, लेकिन संख्यात्मक परिकल्पना में मैं जब एग्जांपल दूंगा तो इसको मैं संख्या के रूप में लिखूंगा। ठीक है, मैं संख्या के रूप में इसे व्यक्त करूंगा। जैसे कि अगर मुझे ये बताना है कि विज्ञान के छात्रों का जो जो मानसिक स्तर जो होता है या कहें कि जो बुद्धि होती है वो आर्ट्स के स्टूडेंट की तुलना में अधिक होती है, तो मैं इसे इस तरीके से लिखूंगा कि आर्ट्स के स्टूडेंट 0 या 1 लिखूंगा यहाँ पर, और विज्ञान के जो स्टूडेंट हैं उनको 2 या 3 या 4 इस तरीके से लिखूंगा। तो जब मैं संख्या के रूप में अभिव्यक्त कर रहा हूँ परिकल्पना को तो वो कहलाती है संख्यायिकी परिकल्पना। ठीक है, संख्यायिकी परिकल्पना। और एक चीज़ आप याद रखें कि जो संख्यायिकी परिकल्पना है वो किस पर आधारित होती है, वो शून्य परिकल्पना का ही संख्यात्मक रूप होता है। ठीक है, इसी चीज़ को मैंने जो है यहाँ पर संख्या के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार जो है आपको याद होने चाहिए, यही एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अगर नहीं किया तो अभी करें, ज़रूर करें। ठीक है, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो उसे आप ज़रूर देख लें ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।